हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटो फार्मिंग यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे जो हमारे नए किसान भाई पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं उनको किस जगह का चुनाव करना चाहिए अपना पोल्ट्री सेट बनाने के लिए, और पोल्ट्री सेट की हाइट, लंबाई, चौड़ाई और इसके साथ साथ किस दिशा में बनाना चाहिए और इसका डायरेक्शन क्या रखना चाहिए, प्लस ये गांव से कितना दूर बनाना चाहिए और किस कैसी जगह का चुनाव करना चाहिए और कितने बर्ड्स के लिए कितने स्क्वायर फीट का फार्म बनाना चाहिए, आज इसी सब के बारे में चर्चा होगी। और जो हमारे नए किसान भाई चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, अगर आप एक पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको जो पोल्ट्री फार्म बनवा रहे हैं उसका गांव से दूर बनाना है, जो जगह का चुनाव करना है गांव से थोड़ा बाहर रहे और गांव से थोड़ा दूर रहे ताकि गांव वालों को कोई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जो आपका बर्ड्स तैयार होता है 25 से 30 दिन के ऊपर का होता है तो आपके फार्म से थोड़ा स्मेल आती है, इस वजह से गाँव वालों को थोड़ा परेशानी होती है, वो कंप्लेन करते हैं इस चक्कर में। तो इस चक्कर में आपको नहीं पड़ाना है, आपको फार्म अपना गांव से थोड़ा बाहर बनवाना है, क्योंकि अगर आप फार्म बनवा लिए, अगर कंपनी से भी एग्रीमेंट करेंगे तो कंपनी तब तक आपको बर्ड्स नहीं दे देगी जब तक आप जिस भी गांव में अपना फार्म बनवाए हैं उस गांव के प्रधान से वेरीफाई करवा के नहीं देते हैं कि गाँव को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है आपके फार्म से, इसके बाद ही कंपनी आपको बर्ड्स प्रोवाइड करती है। तो देख सकते हैं आप, हमारा फार्म यहाँ पे है और ये देखिए गांव, उधर मेन सड़क है, जो छोटा सा घर दिख रहा है, गाड़ी जा रही होंगी, देखिए आप वहाँ से रास्ता आता है, इधर से साइड से एक नहर और ये हमारे फार्म पे रास्ता आता है। तो आप देख सकते हैं इधर पूरा खाली खाली इलाका है, कोई घर वगैरह नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं, फार्म चलाइए जैसे मर्जी वैसे चलाइए। और इधर इस साइड अपनी सारी ज़मीन है, वहाँ तक उधर साइड में दूसरा एक फार्म बनवाना है और ये जो फार्म का लीटर निकलता है भूसी बर्ड सूचने के बाद, वहाँ पे देख सकते हैं आप रखी पड़ी है। और इसके बाद बात करते हैं फार्म बनवाने के लिए आपको कितना लंबाई और कितना चौड़ाई रखना चाहिए। आप ये जो लंबाई देख रहे हैं फार्म की, ये आप अपने हिसाब से कितना भी रख सकते हैं, आपको कितने बर्ड्स का बनवाना है उस हिसाब से रख सकते हैं। और बाकी ये चौड़ाई आपको 25 से 30 फीट रखना है, इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं करना है फार्म को, लंबाई आप कितना भी बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से और चौड़ाई को आपको 30 फीट से ज़्यादा नहीं करना है फार्म की चौड़ाई, नहीं तो फिर वेंटिलेशन में प्रॉब्लम आती है बर्ड्स को बाद में, इस वजह से आपको चौड़ाई 30 फीट से ज़्यादा नहीं रखना है। और ये जो हमारा फार्म है वो इसकी चौड़ाई 30 फीट है, और बात करें लंबाई की तो लंबाई इसकी 150 फीट है, तो ये 3000 बर्ड्स की कैपेसिटी का फार्म है। और बात करते हैं इसके बाद हाइट कितना रखनी चाहिए आपको फार्म को, तो ये जो साइड से आप देख रहे हैं ये 7 फीट पे है, प्लस ये सेंटर की जो हाइट है ये 15 फीट है, ये सेंटर की हाइट 15 फीट है। और आपको हम फार्म को बाहर से दिखाते हैं, बाहर से इसको, और आप देख सकते हैं ये जो दिख रही है ये हाइट, ये 7 फीट है ये, और बाकी सेंटर की जो हाइट है वो 15 फीट पे है। और आपको फार्म को किस दिशा में बनाना चाहिए इसका विशेष ध्यान देना है, आपको जब भी फार्म को बनाना है तो ये जो लंबाई होती है ये पूरब से पश्चिम दिशा में बनानी है। इधर आप देख सकते हैं पूरब दिशा है, सामने सन आपको दिख रहा होगा, और इसके बाद ये पश्चिम, ताकि जब सुबह सुबह जब सूरज की रोशनी 12 एक बजे तक सामने से आती है, अगर फार्म आपको ऐसे सामने से आएगी तो इधर से दीवार रहेगी, इधर से नहीं आएगी, और जब 12 एक बजे के बाद उधर से रोशनी आएगी तो फार्म के अंदर नहीं आएगी, जिससे बर्ड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपका फार्म उत्तर और दक्षिण दिशा में रहेगा तो अगर इधर से रोशनी आएगी तो सीधे पूरे फार्म में जाएगी, इस वजह से आपको ध्यान देना है कि आपका फार्म कभी भी बनवाएं तो आपको पूरब से पश्चिम दिशा में बनाना है। और आप देख सकते हैं दोपहर का 10-10:30 बज रहा है और फार्म में एक भी धूप नहीं आ रही है, आप बाहर देख सकते हैं कितनी धूप आपको लग रही होगी गर्मी का मौसम है, लेकिन फार्म के अंदर कोई भी धूप का नाम निशान नहीं है।
और इसके बाद बात करते हैं आपको कितना बर्ड्स के लिए कितने कैपेसिटी का फार्म बनाना चाहिए और कितना फीडर और कितना ड्रिंकर लगाना चाहिए। तो आपको जितने भी बर्ड्स का बनाना है उसमें 1.2 से आप एक बर्ड्स के लिए 1.2 स्क्वायर फीट जगह लगती है। तो आपको जितने बर्ड्स का बनाना है आप उस हिसाब से 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बाद आपका स्क्वायर फीट निकल के आ जाएगा। तो अपना ये फार्म जो है ये 3000 कैपेसिटी का है, तो इसकी लंबाई है 150 फीट और चौड़ाई 30 फीट, जो आपको पहले ही बता चुका हूँ। और बात करते हैं उधर जो थोड़ा स्पेस बचता है सामने, वो थोड़ा खाली रहता है, 20 फीट की जगह खाली रहती है, उधर लेबर लोग को सोने के लिए प्लस इधर फीड रखा जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं ये ड्रिंकर, आप अगर छोटा 1000 बर्ड्स का फार्म बनाना चाहते हैं तो ये जो ड्रिंकर आपको दिख रहा है ऑटो ड्रिंकर, आप इसकी जगह पे बड़ा वाला मैनुअल ड्रिंकर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है बर्ड फीडर, आपको ये फीडर लगाना पड़ेगा फार्म में। और ये फीडर और ड्रिंकर कितने की मात्रा में लगता है, तो अगर आप 1000 बर्ड्स डालेंगे तो आपको फीडर 1000 बर्ड्स पे आपको लगभग फीडर लगाना पड़ेगा 30 फीडर के आसपास लगाना पड़ेगा। और गर्मी का मौसम है तो 30 ड्रिंकर भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो अगर ठंडी का मौसम है तो 25 ड्रिंकर में भी काम चल जाता है, क्योंकि ये फीडर जो है 3% रखना ही चाहिए बर्ड्स के लिए, और जो ड्रिंकर है वो भी 2.5 से 3% रखना चाहिए। तो बात करते हैं अगर आप ज़्यादा बड़ा फार्म 2500-3000 की कैपेसिटी में बना रहे हैं तो आपको ये ऑटो ड्रिंकर लगवाना ही लगवाना है। और बहुत लोग क्या करते हैं, ऑटो ड्रिंकर की पाइप लाइन जो होती है, ये पाइप लाइन जहाँ से पानी आता है ये ऊपर कर देते हैं, और फार्म में ऐसा जगह लिए रहता है वो ऐसे अच्छा नहीं लगता है देखने में। इस वजह से हमने क्या किया है कि अपने फार्म का जो पाइप लाइन है उसको ज़मीन के अंदर से लगवाया, और यहाँ से थोड़ा पाइप निकाल के सीधे पाइप लगा के ड्रिंकर में सेट हो गई है, और देखने भी उतना अच्छा लगता है, भद्दा नहीं लगता है। वो वाला जो रहता है ऊपर से, ये जो अंदर से पाइप लाइन गई है, ये पाइप लाइन लोग क्या करते हैं कि हाँ ऊपर से लगा देते हैं, और वो देखने में अच्छा नहीं लगता है और अजीब सा लगता है, ऐसा मेरी सोच है, ऐसा मुझे लगता है, बाकी मैं बता नहीं सकता सबका। और आप देख सकते हैं फार्म में हमारे इस समय बर्ड्स नहीं है, क्योंकि बर्ड्स को उठे हुए, मुर्गा उठे हुए लगभग 8 से 10 दिन हो गया। हमने बर्ड्स अभी इसलिए नहीं डलवाया क्योंकि थोड़ा गर्मी ज़्यादा थी और इस बार रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आया था, इस वजह से अभी बर्ड्स नहीं पड़ा है। और जब भी बर्ड्स पड़ेगा तो आपको अपडेट वीडियो मिलती रहेगी कि बर्ड्स का केयर कैसे करें, फर्स्ट डे बैक बर्ड्स को क्या करना चाहिए, कौन सी दवा देनी चाहिए, और वैक्सीन कितने कितने दिन पे और कौन कौन सी वैक्सीन करनी चाहिए। जो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं अपनी बात को। और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो टेक केयर, बाय बाय।